ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम अपनी जो परंपरा है, जो गुरु शिष्य परंपरा है, हम उस पूरी परंपरा को प्रणाम करते हैं आज के दिन, क्योंकि इस परंपरा के थ्रू ये नॉलेज आज दिन तक हम तक ये पहुंचा है। तो इस गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आज का जो हमारा विषय है वो है धर्म। धर्म क्या है? अब अगर आपने कई बार गवर्नमेंट फॉर्म और ऐसे या बैंक के फॉर्म भरे होंगे तो वहाँ पे कॉलम होता है धर्म, यानी आपका रिलीजियन क्या है। तो आम इंसान आज की दुनिया में, आज के युग में अगर किसी को आप पूछो कि धर्म, आप धर्म क्या है, तो वो यही कहेगा कि मेरा रिलीजियन क्या है। लेकिन शास्त्र में ऐसा कहीं पे कोई मेंशन नहीं है कि धर्म का मतलब रिलीजन है, क्योंकि उस समय अलग अलग रिलीजन थे ही नहीं। रिलीजन से वो सब बाद में बने हैं। तो अगर धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है तो धर्म क्या है, धर्म का अर्थ क्या है? जैसे आपको पता है ये संस्कृत वर्ड है और हर एक संस्कृत वर्ड एक धातु से उत्पन्न होता है और कुल 2000 धातु हैं, उसी से जितने भी शब्द आए हैं वो सारे शब्द उस धातु के आधार पर है, उसका कोई ना कोई रूट है। सो उसी तरह धर्म का रूट है ध्रुव, ध्रुव धारयति इति धर्म, यानी टू अपहोल्ड, यानी कि हमारा कोई लक्ष्य है, कोई गोल है, उसको पाना। जैसे हम पुरुषार्थ की अगर बात करते हैं, पुरुषार्थ निश्चय की बात करते हैं, तो चार तरह के पुरुषार्थ है, चार तरह की ह्यूमन गोल्स है, उसके अलावा पांचवा गोल नहीं है। तो ये चार तरह के गोल में सबसे पहले शास्त्र कहता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इज द फाइनल गोल। आम इंसान के दो ही गोल मुख्य रूप से होते हैं, एक अर्थ और काम। अर्थ यानी वेल्थ कमाना और काम यानी अपनी डिजायर को पूरा करना। तो ज्यादातर लोगों के जो गोल है, पुरुषार्थ है, वो दो ही तरह के होते हैं, अर्थ और काम, यानी ज्यादा से ज्यादा वेल्थ अर्जित करना और उसको कैसे खर्च करना। लेकिन शास्त्र कहता है इसमें कोई गलत बात नहीं है, एज लॉन्ग एज आप धर्म के साथ चलते हो, धर्म का पालन करते हुए अगर आप पैसा कमा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पैसा खर्च कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एज लॉन्ग एज यू अर्न लेजिटिमेटली, यू स्पेंड लेजिटिमेटली, देयर इज नो प्रॉब्लम एंड दैट इज धर्म, यानी धर्म शुड बी योर गोल। इसके अलावा गोल के साथ साथ अगर गोल को कुछ पाना है तो आप कुछ साधन का इस्तेमाल करते हो टू रीच द गोल। अब यहां पर जो साधन है उसे भी धर्म कहा गया है। द मीन्स एंड द एंड बोथ आर कॉल्ड एज धर्म। जो साधन से आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो, जिसे हम साध्य वस्तु कहते हैं, वो दोनों धर्म कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप को कुछ वैल्यू प्रैक्टिस करनी, जैसे सत्यम, सच बोलना है, ये आपने प्रण ले लिया कि अपने जीवन में हमेशा हमको सत्य बोलना है, ये एक धर्म है, धर्म की एक वैल्यू है। ये उसमें कई अनेकों वैल्यूज है, उसमें से एक वैल्यू है सत्य बोलना। तो सत्य बोलने के लिए आपको कोई फिजिकल एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, आपको सत्य बोलने की साधना करनी है। जब शुरुआत में ये साधना के रूप में है, बाद में सत्य बोलना आपका स्वभाव बन जाएगा, देन यू आर अ धार्मिक पर्सन। तो सत्य बोलना एक साधना है शुरुआत में, एंड देन दैट बिकम्स अ साध्य वस्तु फॉर यू, वो आपका लक्ष्य, वो आपका गोल, वो आप वहां पर पहुंच जाते हो और आप सत्यवादी हो जाते हो। उसी तरह से अहिंसा आप प्रैक्टिस करते हो और बाद में आप अहिंसावादी हो जाते हो, उसी तरह से कोई भी साधना है इट बिकम्स साध्य वस्तु ऑल्सो। तो जो साधना है वही साध्य और जो साध्य है वही साधन, और दोनों को हम कहते हैं यहाँ पे धर्म है। अब अगर भगवत गीता अगर आप पढ़ते हो, अफकोर्स पढ़ते ही हैं, तो भगवत गीता का पहला श्लोक क्या किसी को याद है? पहला शब्द याद है किसी को?
धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युजोत्सव वगैरह। और जो लास्ट वर्ड है भगवद गीता का, यानी पहले चैप्टर का पहले अध्याय का पहला श्लोक का पहला शब्द है धर्म। भगवद गीता के 18वें अध्याय यानी आखिरी अध्याय का आखिरी श्लोक 78 वर्स के आखिरी पद का आखिरी शब्द है मम। धर्म मम, मम यानी मेरा, धर्म मेरा धर्म क्या है। अगर आप देखो पूरी भगवद गीता इस दो शब्दों के बीच में कि मेरा धर्म क्या है वो यहाँ पर बताया गया, व्हाट इज माय धर्म। और पूरा पहला अध्याय अगर आप देखो या अर्जुन का जो बैकग्राउंड है अगर आप उसको देखते हो तो ये धर्म संकट के बारे में बताता है कि उसके ये धर्म संकट है कि मैं क्या करूं, मैं क्या मैं युद्ध करूं या नहीं करूं, अगर मैं युद्ध करता हूं तो मैं पाप का भागी बनता हूं। वो धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है वहां पर कि अगर मैं युद्ध करता हूं तो मैं पाप का भागी बनता हूं। और कृष्ण कहते हैं, भगवान वहां पे कहते हैं कि नहीं आपको युद्ध करना जरूरी है। तो ये कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग बातें वहां पे हो रही है दोनों के बीच में, और उसी वजह से ये पूरी भगवद गीता यहाँ पे मिली है कि धर्म के संदर्भ में यहाँ पे संकट है कि भाई क्या सही है और क्या गलत है, ये अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है। और इसलिए ये यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर के रूप में पूरी भगवद गीता आपके सामने आ गई, जहाँ पे ये बताया गया क्या धर्म है और क्या अधर्म है और क्या किस वक्त पे क्या धर्म आपका है। तो क्या यहां पर एक सवाल और उठता है, क्या ये धर्म यूनिवर्सल है या सब्जेक्टिव है। यूनिवर्सल यानी सामान्य धर्म है जो सबके लिए सामान्य है, सबके लिए एक है, या सब्जेक्टिव यानी मुझे ये सही लगता है इसलिए मेरे लिए ये सही है, आपके लिए कुछ और सही है। और इसी बात को लेकर कई लोग अपनी अपनी टिप्पणी देते हैं कि मेरे हिसाब से क्या सही है और क्या गलत है। विथ रेफरेंस टू नैतिकता के बारे में बोल दीजिए, आप धर्म के बारे में बोल दीजिए, हर एक के बारे में क्या सही है और क्या गलत है। एक बार न्यूज में बताया गया, एक गुड न्यूज है आपके लिए, बियर बार अब रात को 2 बजे तक खुले रहेंगे, गुड न्यूज है। अब उनके लिए धर्म होगा शायद, ये गुड न्यूज होगी, लेकिन दूसरों के लिए ये अधर्म हो सकता है। तो ये कंफ्यूजन है कि क्या धर्म है क्या अधर्म है। क्या जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक कहते हैं कि जीएसटी लागू होना चाहिए, दूसरे कहते हैं नहीं होना चाहिए, एक कहेंगे कि डीमोनेटाइजेशन होना चाहिए, दूसरा उसके विरोध में है। तो हर एक पार्टी एक दूसरे के विरोध में, हर एक व्यक्ति एक दूसरे के विरोध में, कोई कहता है ये सही है कोई कहता वो सही है। तो क्या यह सब्जेक्टिव है या यूनिवर्सल। अब अगर यूनिवर्सल है तो ये डिफरेंसेस क्यों है, और अगर सब्जेक्टिव है तो सबकी अपनी अपनी मंशा है, जिसकी जो इच्छा होगी वो करेगा, फिर धर्म का कोई मायने नहीं रह जाता यहां पर। हर एक की अपनी अपनी वैल्यूज है, अपने अपने हिसाब से हम फॉलो करेंगे। तो ये क्वेश्चन है कि क्या धर्म यूनिवर्सल है या सब्जेक्टिव है। शास्त्र के अनुसार अगर आप, और शास्त्र के अनुसार ही क्या, आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो कि धर्म जो है वो यूनिवर्सल है, इट इज नॉट सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव बन गया वो हमारी अज्ञानता की वजह से, हमारी दूरदर्शिता की कमी की वजह से, हमारे जो वैल्यू स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर नहीं रहा, हमारा गाइडेंस प्रॉपर नहीं रहा, इसलिए वो सब्जेक्टिव जैसे बन गया। लेकिन वो सब्जेक्टिव नहीं है, वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल कैसे है, इट्स लाइक अ कॉमन सेंस। और धर्म ऐसी चीज है जिसके लिए आपको कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, किसी भी एजुकेशन की जरूरत नहीं आपको। इवन बच्चे को पता है कि धर्म क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा है, दूध पीता, वो बॉटल से दूध पीता है, कांच की बॉटल थी, वो अपनी मदर को ले जाने के लिए दे रहा था और वो बॉटल रास्ते में फूट गई। उसे समझ में आ गया कि कुछ गलत है, उस दिन से उसने बॉटल से दूध पीना छोड़ दिया। उसे समझ में आ गया कि ये गलत हो गया कुछ, या उसके हाथ से कोई दूसरा नुकसान हो गया, उसे समझ में आ जाएगा कि ये कुछ गलत हो गया, ये अधर्म है। ये आपका कॉन्शियंस है जो अंदर से ट्रिक करता है और कहता है ये गलत है और ये सही है।
जब कोई आप गलत काम आपसे होता है या जो आपको करना चाहिए वो नहीं होता और जो नहीं करना चाहिए वो होता है, यू फील अनकंफर्टेबल और यू फील गिल्टी। पर जो आपको करना होता है, जो आपकी ड्यूटी आप करना है और आप कर रहे हो, यू फील गुड अबाउट दैट। तो ये कॉन्शियंस है, ये कॉमन सेंस है, ये सबको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। हर एक व्यक्ति को पता है कि मैं हर्ट नहीं होना चाहता, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे चीट करे, मेरे साथ कोई बेईमानी करे, कोई मुझे तकलीफ दे, ये मैं नहीं चाहता, ये सबको पता है। द सेम रूल इज एप्लीकेबल फॉर अदर पर्सन ऑल्सो, यही नियम दूसरे के लिए भी लागू है। जो चीज आप नहीं चाहते कि कोई दूसरा आपके साथ करे, वो आपको भी दूसरों के साथ नहीं करनी है। इट्स अ कॉमन सेंस। सो धर्मा के लिए कोई आपको नॉलेज की जरूरत नहीं है। धर्मा इज यूनिवर्सल, इट्स लाइक अ ग्रेविटेशन फोर्स, उसके लिए कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है। इवन द मंकी ऑन द ट्री नोज दैट कि ग्रेविटेशन फोर्स है, ही कैन सेंस इट। उसे पता है कि अगर उसने डाल छोड़ दी तो वो नीचे गिर सकता है, उसे पता है। तो ये कॉमन सेंस की बात है यहां पर। उसी तरह से जो धर्मा है, वी कैन सेंस इट, दो ना तो ग्रेविटेशन फोर्स को आप देख सकते हो ना ही आप धर्मा को देख सकते हो, लेकिन यू कैन सेंस इट दोनों। और ऐसे कई लॉज है, उसमें से एक धर्मा इज ऑल्सो अ लॉ। अनदर थिंग इज धर्मा इज मैनिफेस्टेशन ऑफ ईश्वरा। ईश्वरा अपने आप को धर्म के रूप से व्यक्त करते हैं, इसीलिए ये यूनिवर्सल है। जब हम बात करते हैं यूनिवर्सल, यानी वो हर समय के लिए लागू है, हर परिस्थिति के लिए लागू है, हर व्यक्ति के लिए लागू है, हर इंसान के लिए लागू है। सो देश काल परिस्थिति से वो बाधित नहीं है, वो लिमिटेड नहीं है, वो सब जगह सब परिस्थिति में हर एक व्यक्ति के लिए लागू है। ऐसा नहीं कि आपके लिए यहां पे अलग धर्म है और वहां के लिए अलग धर्म है। जैसे मैंने कहा कि हमारा वैल्यू स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, कि हमारी मैच्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, हाउ मच वी हैव गिवन फॉर धर्मा, उसके ऊपर डिपेंड करता है धर्मा की वैल्यूज आपके लिए क्या है। बट अदरवाइज धर्मा इज यूनिवर्सल। ये जो धर्मा है और जो सेंस ऑफ धर्मा है वो हमारे अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इट्स लाइक आपके पास जिस तरह से फ्री विल है, फ्री विल यानी पुरुषार्थ है, दिस इज अनदर मीनिंग ऑफ पुरुषार्थ। एक मीनिंग है पुरुषार्थ का जहां पे हम गोल्स की बात करते हैं, चार तरह के गोल है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। दूसरा मीनिंग है पुरुषार्थ का फ्री विल। फ्री विल यानी आपकी कैपेसिटी है चॉइस करने की हर एक परिस्थिति में। अब आप कहोगे कोई मेरे कनपट्टी पे बंदूक रख देता है और कहता है या तो पैसे दो या जान दो, अब मेरे पास चॉइस क्या है ना, दो चॉइस उसने खुद ने दिए, या तो पैसे दो या जान दो। तो दो चॉइस तो हमेशा है आपके पास में, राइट? या आप उसके साथ कुछ बार्गेन कर सको तो बात अलग है। एनीवे, तो ये चॉइस की कैपेसिटी आपको दी है, लेकिन चॉइस के साथ कंट्रोल नहीं दिया। अगर आप एनिमल्स को देखते हो तो उनके पास चॉइस की कैपेसिटी नहीं है, उनके पास नेचुरल एक सिस्टम है, सिक्स सेंस का सिस्टम है, वो नेचुरली उसको फील करते हैं। जैसे फॉर डॉल्फिन फॉर एग्जांपल, अगर डॉल्फिन देख ले कि पानी में कोई आदमी डूब रहा है, वो डॉल्फिन उसको बचाएगी, क्योंकि उसका स्वभाव है, इट्स अ इंस्टिंक्ट, एनिमल इंस्टिंक्ट है। ऐसा नहीं कि उसको धर्म की वैल्यू है कुछ, या उसके अंदर धर्म जागृत हो गया, या किसी में कम है, ऐसा नहीं है। ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसके अंदर। कुत्ता है, अपने मालिक के प्रति वो बहुत, इवन शेर फॉर दैट मैटर, अगर आप उसके भलाई के बारे में करते हो, कुछ काम करते हो, उसकी सेवा करते हो, उसको खाना पीना देते हो, वो आपका दोस्त बन के रहेगा, शेर भी। लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि आप अपने सगे अच्छे दोस्त को भी अगर हेल्प करो तो वो आपका हमेशा दोस्त बन के आपको रिस्पॉन्ड करेगा? देयर इज नो गारंटी। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे फ्री विल है, और मगर फ्री विल के साथ में कंट्रोल हमारे हाथ में पूरी तरह से नहीं है। हम बह जाते हैं अपने कई गुणों की वजह से या अवगुणों की वजह से हम बह जाते हैं। तो जिस तरह से एक मोटर कार है, स्पोर्ट्स कार है, जिसमें स्पीड दी है लेकिन ब्रेक के साथ दिया है, मान लो अगर उस गाड़ी में बाई मिस्टेक ब्रेक नहीं है तो इट्स अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट, वो कंपनी उसको वापस कॉल बैक करेगी। सैमसंग मोबाइल, कई मोबाइल फट गए, सारी कंपनी ने सारे मोबाइल उस मॉडल को वापस कर लिया, ले लिया, इट्स अ डिफेक्ट। सिमिलरली अगर इंसान में धर्म अगर नहीं होता, पुरुषार्थ दिया है, सेल्फ एफर्ट दिया है, फ्री विल दिया है, लेकिन धर्म अगर नहीं देता, जो ब्रेक की तरह काम करता है, तो यहां पर ये डिफेक्ट होगा। लेकिन सृष्टि में ये डिफेक्ट नहीं है, उसने सृष्टि ने जब ये क्रिएट किया ह्यूमन बीइंग को, या ये जब क्रिएशन हुआ है, तो फ्री विल के साथ धर्म भी आपको दिया गया है। और क्योंकि एक लॉ है, जो कैपेसिटी आपको दी गई है उसको आपको निभाना है, उसको आपको यूज करना जरूरी है। अगर आप उसको अब्यूज करते हो या डिसयूज करते हो, यानी आप उसका गलत उपयोग करते हो या आप उसका उपयोग नहीं करते हो, आप कहो कि हम यूज ही नहीं करेंगे, इधर वे यू आर गोइंग टू लूज इट। और फ्रीडम अगर आपको मिली है, तो फ्रीडम इफ इट इज अब्यूज इट इज लॉस्ट। दिस इज द लॉ, दिस इज द नियम। और जैसे हमने कहा, इट्स ईश्वर मैनिफेस्टेशन, ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने क्रिएट किया एक लॉ, नहीं, ईश्वर खुद का अपना मैनिफेस्टेशन है, व्यक्तिकरण है, यहाँ पे एक धर्म के रूप में वो मैनिफेस्ट होता है यहाँ पे। तब जब हम धर्म की बात करते हैं, यहाँ पे दो तरह के उसमें धर्म एक ही है नो डाउट, बट उसे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक जो हमने बात की वो है सामान्य धर्म, दूसरा है विशेष धर्म। विशेष धर्म यानी जो व्यक्ति, परिस्थिति, देश, काल, यानी आपके समय क्या है, काल या देश आपके स्थान पर हो, उसके हिसाब से कुछ आपका जो धर्म का एक्सप्रेशन है वो बदल सकता है। धर्म यूनिवर्सल है लेकिन उसका एक्सप्रेशन बदल सकता है, वो पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जन्म हुआ है एज अ ह्यूमन बीइंग, और जब अगर आपका जन्म हुआ है एज अ ह्यूमन बीइंग, तो आपके एज अ ह्यूमन बीइंग एक रोल हो गया। उसके बाद आप अपने माँ बाप के बच्चे हो, वो एक रोल हो गया आपका, एज अ डॉटर और एज अ सन ये आपका एक और रोल हो गया। एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आप जिस कंट्री के सिटीजन हो वो आपका रोल हो गया। एज अ मदर फादर आपका रोल हो गया, ब्रदर सिस्टर आपका रोल है, मेंबर ऑफ द सोसाइटी आपके, ऐसे अनेकों कई रोल्स हैं आपके। उस रोल को सही ढंग से निभाना इस धर्म, इस विशेष धर्म। अब शास्त्र के अनुसार, आपकी परिस्थिति के अनुसार, आपके मैच्योरिटी के अनुसार कई और कैटेगरीज में ये विभाजन किया गया। जैसे एक है आश्रम धर्म, यानी ब्रह्मचर्य आश्रम, जो स्टूडेंट है, गृहस्थ आश्रम यानी जो फैमिली लाइफ, वानप्रस्थ आश्रम यानी जो अपने आप को थोड़ा विड्रॉ कर रहा है सांसारिक एक्टिविटी से और अपना ध्यान लगाता है ये शास्त्र की स्टडीज में, सॉलिट्यूड में, या तो सॉलिट्यूड प्लेस पे चले जाए या सॉलिट्यूड टाइम चुन ले या सॉलिट्यूड इन्वायरमेंट वो अपने लिए क्रिएट कर ले वहाँ पर, यानी अपने आप को रोजमर्रा की एक्टिविटीज जो सांसारिक एक्टिविटीज उससे थोड़ा सा विड्रॉ कर ले, वो है वानप्रस्थी या संन्यास आश्रम। तो अलग अलग लोग अलग अलग आश्रम से बिलोंग करते हैं, उस अलग अलग आश्रम में रहकर आपको उस नियम का पालन करना होता है। ब्रह्मचर्य में अगर आप हो तो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना है, उस समय आप सन्यासी नहीं हो,
और जब सन्यासी आश्रम में हो, सन्यास आश्रम में हो, तो आप ब्रह्मचर्य नहीं हो, आप गृहस्था भी नहीं हो, आप वानप्रस्थी भी नहीं हो, तो आपको सन्यास आश्रम का पालन करना, उसी तरह गृहस्थ आश्रम है और वानप्रस्थ आश्रम। तो जिस आश्रम से आप बिलोंग करते हो उस आश्रम के नियमों का पालन करना वो जरूरी है। सन्यासी कर्मकांड से फ्री है, खासतौर पे फायर रिचुअल से वो फ्री है, लेकिन गृहस्था उससे बंधा हुआ है, उसे वो करना है, ये उसका ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है। दानम करना, लोक का संग्रह के लिए कार्य करना, इनफैक्ट ये गृहस्था की ड्यूटी है कि ये अध्यात्म को मेंटेन करना या सन्यासी को मेंटेन करना, या ऐसे कोई भी साधु है समाज में ऐसे साधुत्व को, ऐसे स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन करना, ये उस समाज का काम है, गृहस्थ जीवन का। क्योंकि केवल एक वही है जिनको अलाव है पैसा कमाने के लिए, बाकी अगर आप तीनों कैटेगरी में आप देखो, उन्होंने तो विड्रॉवल का स्टेट पे है। सन्यासी को कोई अलाउ नहीं है बिजनेस करना, वानप्रस्थी ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, वो रिटायर्ड लाइफ जी रहा है, और ब्रह्मचारी ने अभी कोई काम शुरू नहीं किया, उसने कोई काम लिया नहीं अपने हाथ में। सो अगर तीनों कैटेगरी अगर आप देखते हो तो तीनों कैटेगरी गृहस्थ आश्रम पे डिपेंडेंट है। तो गृहस्थ आश्रम का ये कर्तव्य बनता है कि इन तीनों कैटेगरी को सपोर्ट करें, ये उनका कर्तव्य, ये धर्म है। और जो सपोर्ट नहीं करता है ये अधर्म है। तीसरा है इसमें वर्ण परंपरा, डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना सत्वगुण ज्यादा है, रजोगुण है, तमोगुण है। तो जो सत्वगुण प्रधान और सेकंड पे रजोगुण है, थर्ड पे तमोगुण है, वो ब्राह्मण श्रेणी में आता है। जिसमें रजोगुण प्रधान है और सत्व सेकंड है और तमो थर्ड है, वो क्षत्रिय धर्म में आता है। और जिसमें रज के बाद में तमोगुण प्रधान है और फिर उसके बाद में थर्ड नंबर पे है सत्वगुण, वो वैश्य यानी बिजनेस क्लास में है। और जिसमें तमोगुण प्रधान है और सत्व लास्ट और बीच में है रजोगुण, वो शूद्र क्लास में है। कोई क्लास बुरा है ऐसा नहीं है, ये सभी अपने अपने लेवल पे इवॉल्व है और वो प्रोसेस में है कि उनको और इवॉल्व होना है। तो अगर कोई गलत काम भी करता है तो हम ये नहीं कहते कि वो अधर्मी है या वो गलत व्यक्ति है, इट्स अ जजमेंटल वर्ड। हम ये कहते हैं ही इज इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। हम ये नहीं कहते कि वो गलत है, इट्स जस्ट उसका डेवलपमेंट 5% 10% हुआ एज कम्पेयर टू 90%। दूसरे व्यक्ति का 90 है 10 है 50 है, अलग अलग परसेंटेज, तो उसका मेच्योरिटी लेवल कम है। तो जो ब्राह्मण वर्ग में है, जो ब्राह्मण धर्म का पालन करना है उनको, क्षत्रियों को क्षत्रिय धर्म का पालन करना है, वैश्य को वैश्य धर्म का पालन करना, शूद्र को शूद्र धर्म का पालन करना। शूद्र यानी जो इन तीनों कैटेगरी के लोगों को सपोर्ट करता है वो शूद्र कैटेगरी में। ब्राह्मण यानी जो प्रीचिंग क्लास में, टीचिंग क्लास में, किसी तरह की भी टीचिंग है, वो ब्राह्मण क्लास में आ गए। और जो प्रोटेक्शन के लिए, लोक हित के लिए है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, आर्मी में हो, पुलिस में हो, ये सारे लोग आ गए क्षत्रिय वर्ग में, इनको क्षत्रिय धर्म का पालन करना है। और जो बिजनेस क्लास के हैं, वैश्य क्लास के, उनको बिजनेस करना है, ट्रेडिंग में जाना है, वो बिजनेस क्लास वाले क्षत्रिय धर्म को पालन नहीं कर सकते, उनका अलाउड नहीं है। और जो क्षत्रिय धर्म का है उनको बिजनेस नहीं करना है वहां। अपने धर्म का पालन करना जिस कैटेगरी में आप हो, और जैसे जैसे आपकी मैच्योरिटी होती है वैसे वैसे आपके धर्म वहां पे होता है। लेकिन ये केवल एक्सप्रेशन मात्र है, आप अपने जीवन में किस धर्म को कैसे आप उसका पालन करते हो, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो अगर आप देखते हो सामान्य धर्म इज कॉमन टू ऑल, अहिंसा इज कॉमन टू ऑल, दानम इज कॉमन टू ऑल, लेकिन आप अपने धर्म में किस क्षेत्र में हो वो वहां पर कैसे एक्सप्रेशन करना है वो डिपेंड करता है। जो विशेष धर्म है वो एक्सप्रेशन के लिए है, वो सामान्य धर्म को बाईपास नहीं कर सकता। सामान्य धर्म इज यूनिवर्सल, जिसको हम बाईपास नहीं कर सकते, और वो सब हर समय हर स्थान के लिए, हर परिस्थिति के लिए, हर व्यक्ति के लिए वो लागू है, और हम उसको कभी भी बाईपास नहीं कर सकते।